बच्चों नमस्कार, मैं डॉक्टर विद्यावती चंद्राकर, सहायक प्राध्यापक सीआरटी, फिर आपके बीच में हूँ। मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं इस पाठ को दूसरे हिस्से में फिर से आपको बताऊंगी, पढ़ाऊंगी, है ना? तो अपना वादा मैं निभाने के लिए आपके बीच में फिर से खड़ी हूँ। हमने उस दिन देखा था बच्चों भाग एक में कि छत्तीसगढ़ का नाम क्या क्या है, कितना समृद्ध है, हमारी धार्मिक आस्था, हमारे लोकगीत, हमारे लोक नृत्य, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रहने वाले लोगों की भावनाएं, हमारे पंथ, कबीर पंथ, सतनाम पंथ, उनकी विशेषता, बहुत सारी चीज़ों को हमने छत्तीसगढ़ के बारे में देखा था। और अंत में एक भावनापूर्ण गीत के साथ ही हमने इस पाठ को समाप्त किया था। क्या था, कौन बताएगा, कोई बता सकता, याद है? हाँ, सारे लोगों को याद है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो हमने कहाँ पर इस पाठ का समापन किया था कि वो जो तीजा पोला के लिए भाई जो है अपनी बहन को लेने के लिए जाने वाला है, जाने के पहले वो एक खबर भी जाता है लोकगीत के माध्यम से कि संसो तय झन करबे, फिकर तय झन करबे, तीजा के रोटी धर के तोला ले भरा हूँ वो। ठीक, अब बहन उधर सोच रही थी कि लेने आएंगे नहीं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है तुमको चिंता नहीं करना है करके। ठीक है, तो ऐसे ही लोकगीत हम और कहाँ कहाँ पाते हैं, हम आगे देखते हैं। उक्त गीतों के अतिरिक्त, यानी ये जो अभी ने दो कविताएं यानी गीत हमने देखे ना, एक तो वो देखा था ना, कौन सी, कि वो कुआं में धस जाऊंगा करके बोल रहे हैं बाबा और दादा, एक वो लोकगीत, और दूसरा ये है कि संसो फिकर झन करबे। तो दो लोकगीतों के बाद हम और भी पाते हैं कि छत्तीसगढ़ में कर्मा, सुआ, पंथी, डंडा, पंडवानी, राउत नाचा, ददरिया आदि जो है नृत्य और गीत दोनों ही, मतलब गीत भी है और नृत्य भी है, गाए जाते हैं। यानी ये सारी जो चीज़ हैं, ये गीत भी हैं और गीत के साथ साथ इसमें क्या हो जाता है, नृत्य भी है। एक एक की छवि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आपका क्या है, कौन सा है, कर्मा भी है, आपका सुआ भी है, आपका डंडा भी है, आपका पंडवानी भी है, आपका राउत नाचा भी है, और राउत नाचा तो बहुत शानदार होता है ना, मज़ा आ जाता है ना दीपावली के समय में, और ददरिया है। ये सारे गीत जो हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में गाए जाते हैं और इसके साथ साथ भी नृत्य किया जाता है छत्तीसगढ़ में। ये तो गीत थे जो हर मौसम हर पर्व में गाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में संस्कार गीत, अनुष्ठान गीत, ऋतु गीत, धार्मिक पर्वों पर गाए जाने वाले गीतों की बहुलता है। क्या कह रहे हैं यहां पर, छत्तीसगढ़ में संस्कार गीत। संस्कार समझते हो किसको बोलते हैं, कौन बता सकता है? नहीं पता सब, ना ना ना, मुंडी मत झुकाओ भाई, हम बता रहे हैं ना जिसके लिए हम खड़े हैं। तो छत्तीसगढ़ में संस्कार गीत का मतलब होता है, संस्कार मतलब जो हमारे 16 संस्कार होते हैं, मनुष्य यानी बालक के रूप में जब पैदा होता है, उसके पहले से जब वो गर्भ में आता है, पुंसवन संस्कार से शुरू हो जाता है, जो मृत्यु संस्कार तक जाता है, यानी उसका पैदा होना, यानी अंदर बीजारोपण होना, फिर उसका पैदा होना, फिर उसका नामकरण होना, फिर उसका बाल काटे जाना, मुंडन संस्कार होना, जनेऊ संस्कार होना, ये सब संस्कार है बच्चों। इस तरह संस्कार विवाह वगैरह होते 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 मृत्यु संस्कार तक जाता है, ठीक है। तो ये 16 संस्कार होते हैं, इन 16 संस्कारों में भी गीत है। विवाह के समय आप देखते हैं कि विवाह गीत में कई सारे होते हैं ना, चुलमाटी जाने का गीत है, तेल हल्दी चढ़ाने का गीत है, भांवर का गीत है, भरने का गीत है, विदाई की गीत है, सब में गीत गाते हैं, बिना गीत के कोई काम होता नहीं है। अनुष्ठान गीत, अनुष्ठान मतलब पूजा पर्व में, जैसे आप जवारा रखते हैं तो जवारा गीत होते हैं ना, जस गीत आपने सुना है, जिनके घर में जवारा रखते हैं ना, जवारा सेवा करने के लिए लोग आते हैं, गांव भर के लोग, और खूब मतलब गाते हैं, समझ रहे हो। तो ये अनुष्ठान है, अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ, कोई ऐसा महत्वपूर्ण पवित्र कार्य जब करते हैं उस समय भी गीत गाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ऋतु गीत। ऋतु गीत मतलब जो हमारे ऋतुएं हैं, मतलब माह जो चलते हैं, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अघन, पूस, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये जो चलता रहता है कहना चाहिए, इन महीनों में भी गाते हैं। सावन में सावन गीत होता है, आपको पता है। तो लोग जो हैं हर महीने के लिए भी गीत बना करके रखे हुए हैं, तो ऋतु के अनुसार से आपका गीत चलता है कि बादल बरस रहा है, ठीक है, हवा बह रही है, ठीक है, और बारिश हो रही है, ये इस तरह देख करके, और मयूर नाच रहा है, ये ऐसे ऐसे चीज़ों को देख देख करके लोगों ने गीत गाना शुरू किया। मतलब गीत अचानक निकले हैं,
संगीत क्या है, गीत क्या है, इंसान के मन की भावनाएं हैं जो यूं ही अकस्मात निकल पड़ती हैं, वो गीत के रूप में आ जाती हैं और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पीड़ित हो तो पीड़ा के रूप में भी गीत आपके सामने निकल करके आ जाती हैं। खुशी है तो खुशी के अवसर पर आपके मुंह से गीत निकल करके आ जाती हैं। बस वही है, तो मानव की भावनाएं जो है गीत का रूप ले लेती हैं कुल मिलाकर के। तो जैसे जैसे ऋतु आते हैं ऋतु में गाते हैं, धार्मिक पर्वों पर गीत गाते हैं। अब धार्मिक पर्व जब मनाओगे, जैसे आपने देखा दीपावली के समय में, ठीक है, क्या होता है इसमें कि वो गौरव गौरी वाली करते हैं ना, जब शादी करते हैं मतलब गौरव गौरी लेकर के जाते हैं, तो उस समय भी गीत गाते हुए जाते हैं। मतलब जो वो बिरादरी के लोग होते हैं ना, गोंड बिरादरी के लोग हैं जो गौरव गौरी की शादी करते हैं, तो उसके लिए मिट्टी लेने के लिए जाते हैं, आते हैं, रात भर शादी करते हैं, गीत गाते हैं। तो ये धार्मिक पर्व है कहना चाहिए। तो ऐसे धार्मिक पर्वों पर भी गीत गाते हैं। तो कुल मिलाकर के क्या है, छत्तीसगढ़ में संस्कार गीत, अनुष्ठान गीत, ऋतु गीत, धार्मिक पर्व में गीत, इस तरह से गीतों की बहुलता है। मतलब प्रचुर मात्रा में यहाँ पर गीत गाए जाते हैं। पंडवानी भी गाते हैं। आप देख रहे हैं तीजन बाई जी को जो पद्मश्री से नवाजी गई हैं, जिनको ये गीत गाती हैं पंडवानी। पंडवानी मतलब क्या होता है मालूम है, पांडवों की कथा को अपनी वाणी में प्रयुक्त करना, मतलब बताना कहलाता है पंडवानी। तो यहाँ की अमूल्य धरोहर है बच्चों, अमूल्य, जिसकी कोई कीमत नहीं है, आप उसकी कीमत नहीं आंक सकते, ऐसी हमारी क्या है, धरोहर है। धरोहर मतलब संचित करके रखने वाली चीजें हैं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में गीत की परंपरा जो है यहां से वहां तक आपको देखने को सुनने को मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में फागुन महीने में लोग नगाड़ा बजाकर होली के गीत गाते हैं, आप देखिए, और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं, नगाड़ा बजाते गाते ना। अभी जो मौसम चल रहा है, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये महीना भी वही है, और बहुत जल्द आप होली खेलने वाले हैं, कहने चाहिए रंग गुलाल लगाने वाले हैं। तो फागुन के समय में भी नगाड़ा बजाते हुए लोग जो है खूब फाग गीत गाते हैं। फागुन के महीने में गाने वाले गीत फाग गीत है, ठीक है। तो होली के गीत गाते हैं और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। वहीं दूसरी ओर गाँव की रास मंडलियाँ राधा कृष्ण ग्वाल बाल का रूप धारण करके मांदर के ताल के साथ साथ नाचते गाते थिरकते हैं। और जो बड़ी मंडली होती है, रास मंडली जिसको बोलते हैं, रास मंडली क्यों है, रहस मतलब एक नृत्य है, कृष्ण जी करते थे वही जो है, इसलिए नाम आया है राधा कृष्ण और ग्वाल बाल का रूप धारण करते हैं, क्योंकि रहस कृष्ण जी के माध्यम से चल करके आया है। रास रचाते थे, रात में वो नाचते गाते थे, उन्हीं की तरह से आज भी हम रहस करते हैं, रास मंडली रचाते हैं, और बड़े जो लोग होते हैं वो नाचते और गाते हैं, किस पे, मांदर की आवाज पर, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक वाद्यों में, अभी अब तक आप गीतों को सुन रहे थे कि फागुन में गाते हैं, हर ऋतु में गाते हैं, हर महीने में गाते हैं, तो गाने के लिए वाद्य यंत्र की भी जरूरत पड़ती होगी। तो छत्तीसगढ़ में किस तरह के वाद्य यंत्र होते हैं, प्रमुख लोक वाद्यों में, लोक वाद्य, वाद्य मतलब बजाने वाली चीजें, ठीक है, मांदर है, ढोलक है, नगाड़ा है, चिकारा है, मोहरी है, सिंह बाजा है, यानी इतनी चीजें हैं यहाँ पर। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है, इन्हीं की थाप पर छत्तीसगढ़ के लोग नाचते और गाते हैं। आगे देखिए हम और क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ की भाषा। अब देखिए, लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, ये सारी हमने देख ली। अब हम देखेंगे भाषा के बारे में, विविधता है कहा गया है, तो किन किन चीजों में विविधता है ये हम देख पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ की भाषा छत्तीसगढ़ी है, जो पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। यह सरस और प्रवाहमयी तो है ही, साथ ही ब्रज भाषा की तरह मधुर भी है। यहाँ की 85% जनता यही भाषा बोलती है। इसके अतिरिक्त हिंदी और उड़िया भाषाएं भी यहाँ प्रचलित हैं। विभिन्न बोलियों के अंतर्गत लरिया, सादरी, कुड़ुक, उरांव, सरगुजिया, गोंडी, हल्बी आदि जनमानस पर अधिकार किए हुए हैं। ये केवल इतनी नहीं है, यहाँ पर 46-47 बोलियां हैं। मैं आपको बता दूं, बोली का मतलब क्या है, भाषा ही है बच्चों आपके लिए, ठीक है, यानी जिसमें हम बोलते हैं, जो हमारे शब्द हैं वो किस भाषा में है कहते हैं। अभी आपको मैं उस स्तर पे बोली और भाषा नहीं बता रही हूँ। हम पूरे भारत की बात करें तो हिंदी हमारी भाषा है, ठीक है, लेकिन हम जिस घर में रहते हैं वो जिस भाषा में बात करते हैं वो मेरी अपनी भाषा है। मैं छत्तीसगढ़ की हूँ तो छत्तीसगढ़ी में बात करूँगी। कोई अगर सरगुजा से है तो जाहिर सी बात है वो सादरी में बात करेगा।
कोई जसपुर का है तो वो कुड़ुख में बात करेगा, मान लीजिए कोई जगदलपुर का है तो गोणी में बात करेगा, हल्बी में बात करेगा, लरिया में बात करेगा, ठीक है। जितने जो छत्तीसगढ़ के जो हमारे जिले हैं, सभी जिलों की अपनी अपनी लगभग लगभग अलग अलग भाषा है जिसमें वो बातचीत करते हैं। तो कोरिया का कुछ और है, रायगढ़ में कुछ और है, रायपुर में कुछ और है, बिलासपुर में कुछ और है, रायपुर में कुछ और है, दुर्ग में कुछ और है, छत्तीसगढ़ी भी है। जैसे आप छत्तीसगढ़ी बोली को समझते हैं ना अच्छे से, सभी समझ रहे होंगे बच्चों, क्योंकि सभी लोग आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग अपनी अपनी बोली भाषा को समझते हैं। तो यहाँ पर ये जरूर है कि 85% जनता जो है वो छत्तीसगढ़ी से परिचित है, क्योंकि ज़्यादा क्षेत्र है ना उनका, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, इधर जगदलपुर की तरफ का हिस्सा ले लीजिए, उधर सरगुजा तरफ का हिस्सा ले लीजिए। ये जो सरगुजिया, कुड़ुख, उरांव, हल्बी जो बोली है ना, ये कुछ कुछ लोगों के बीच में है, लेकिन छत्तीसगढ़ी जो है लगभग जनता के बीच में है। तो छत्तीसगढ़ी बोली के लिए बता रहे हैं कि ये भाषा बड़ी मधुर है, क्योंकि ब्रज के तरह है, ब्रज भाषा में जैसे बात करते हैं ना, ठीक वैसे ही हमारी छत्तीसगढ़ी भी हो, सही बात है। इसमें भाषा में बोलने में गुरतुर भाषा बोलते हैं ना, गुरतुर मतलब मिठास है इस भाषा में। लेकिन इस छत्तीसगढ़ी में भी अंतर है, रायपुर में बात करने वाला कुछ और बोलता है, बिलासपुर का बात करने वाला कुछ और कहता है, कुर्मी कुछ और भाषा में बात करता है, ब्राह्मण कुछ और भाषा में बात करता है। तो बोलियों के अंतर्गत भी अलग 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 जो है सुनने में या समझने में अलग दिखाई सुनाई पड़ती हैं बच्चों। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में कई प्रकार की भाषाएं हैं, और तो और यहाँ छत्तीसगढ़ में उड़िया भी है। कहाँ है उड़िया आपको पता है? जब आप महासमुंद से आगे चले जाते हैं और राजा खरियार जहाँ शुरू हो जाता है वहां से आपकी उड़िया शुरू हो जाती है। इधर आप चलते हैं तो सराईपाली बसना की तरफ आप जाते हैं, बसना से आगे जब निकलना शुरू करते हैं तो उधर आपको पूरा उड़िया मिलता है कहना चाहिए। तो भाषाएं उड़िया मतलब भाषाओं के अंदर बहुत सारी है छत्तीसगढ़ में, जो जिस भाषा से संबंधित है उस भाषा में बात लोग जो है वो करते हैं और समझते हैं, लेकिन सभी के लिए प्रमुख जो है वो हिंदी है कुल मिलाकर के। अब हम देखते हैं भाषा बोली के बाद में साहित्य को। चूंकि इतनी तरह की यहाँ पर भाषा और बोली है तो साहित्य भी काफी समृद्ध होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में साहित्य का भी काफी महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी, काव्य, निबंध, कहानी आदि विधाओं में छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों का विशेष योगदान रहा है। कौन कौन से बोल रहे हैं साहित्य में? हिंदी काव्य, काव्य मतलब जो पद्य लिखा जाता है ना, जिसको आप कविता कहते हैं ना, उसे हम कहते हैं काव्य, ठीक। निबंध आपने पढ़े होंगे, निबंध मतलब अपने विचारों को जो बांध देते हैं वो निबंध है कुल मिलाकर के, किसी एक विषय को लेकर के, जो महत्वपूर्ण मसले को लेकर के लिखा जाता है। जैसे नाखून क्यों बढ़ते हैं, अगर इस पर आपने लिखना शुरू कर दिया कि क्यों बढ़ते होंगे वास्तव में, तो ये निबंध हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे मैं क्या कहना चाहती हूँ? जैसे आज का कोरोना संकट, अब इस पर कोई लिखेगा तो क्या होगा? निबंध कहलाएगा, ठीक है। तो काव्य अलग है, निबंध अलग है, कहानी भी है। कहानी क्या होता है? कहानी में कोई पात्र को लेकर के किसी बात को सामने रखा जाता है और ऐसा लगता है जैसे मैं जी रही हूं उसको, या आप ही हैं वहां पर, या आपके घर की कहानी है, कथा है, ये लगने लगता है। तो कहानी लिखी जाती है कुछ समस्याओं को देख करके, यानी छोटे छोटे बात को बताने के लिए हम कहानी रचते हैं। छोटी छोटी बात को बताने के लिए मतलब माल जाए कह दिए कि सत्य का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अब ये सत्य क्या है? कबूतर है, चिड़िया है, गाय है, आदमी है, क्या है? तो सत्य को बताने के लिए मुझे राजा हरिश्चंद्र को लेकर के कहानी बतानी पड़ेगी, तब आप समझेंगे कि सत्यनिष्ठा क्या है, ठीक है। लालच, लालच क्या चीज है? एक आदत तो है, लेकिन लालच होने से लालच बुरी बला है, मुझे कहानी बताना पड़ेगा तब आप समझेंगे। तो ऐसे सूक्ष्म बातों को, छोटी सी बात को लेकर के, किसी इंसान को लेकर के बातें लिखी जाती हैं, वो कहलाती हैं आपके सामने कहानी। तो कहानियां आदि विधा, विधा मतलब क्या है? एक प्रकार है कुल मिलाकर के, ये विधा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मतलब इन काव्य, निबंध, कहानी आदि विधा में छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों का विशेष योगदान रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ में इतने साहित्यकार हुए हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश के ही हमारे कवि हों, कहना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ में भरे पूरे, अगर हम अन्य चीज़ों में हैं तो हम साहित्य के क्षेत्र में पीछे नहीं हो सकते हैं बच्चों। आइए मैं पढ़ती हूँ आपके सामने नाम, आपको लगेगा आश्चर्य, क्या हमारे छत्तीसगढ़ में इतने लोग हैं जो लिखते हैं? बेशक इतने हैं। अब शुरू करती हूँ मैं नाम पढ़ना, ध्यान से सुनिएगा। लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, माधव प्रसाद सप्रे, गजानन माधव मुक्तिबोध,
पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हरि ठाकुर। देखिए लोचन प्रसाद पांडे मुकुटधर पांडे दोनों सगे भाई थे बच्चों, आपको पता है। और ये थे रायगढ़ के रहने, रायगढ़ के पास के रहने वाले थे, रायगढ़ में थे। माधवराव सप्रे रायपुर से संबंधित है। गजानन माधव मुक्तिबोध ये अपना कार्यक्षेत्र बना के रखे थे छत्तीसगढ़ को, इसलिए हम इनको मानते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी खैरागढ़ का नाम तुमने सुना है, वहां के थे ये कहना चाहिए, इन्होंने भी खूब लिखा। हरि ठाकुर रायपुर के थे, उन्होंने बहुत ज्यादा लिखा। तो छत्तीसगढ़ में रहने वाले बहुत सारे हैं। आगे हम और नाम देखते हैं। सुंदरलाल शर्मा यहीं से हैं। नारायणलाल परमार, जगन्नाथ प्रसाद भानु, द्वारिका प्रसाद विप्र, श्रीकांत वर्मा लाला जगदलपुरी जगदलपुर से, पंडित रामदयाल तिवारी, बाबू प्यारेलाल गुप्ता, पंडित केदारनाथ ठाकुर इत्यादि ऐसे नाम हैं जिनकी कृतियों से हिंदी और छत्तीसगढ़ी साहित्य की श्री वृद्धि हुई है। श्री वृद्धि, श्री का मतलब है संपदा, ठीक है, वृद्धि मतलब विकास। तो इतने सारे जितने लोगों के नाम मैंने लिखे, इन्होंने लगातार लिखा है, लगातार। किसी ने स्वतंत्रता को लेकर के लिखा, किसी ने सामाजिकता को लेकर लिखा, किसी ने शोषण के विरुद्ध लिखा, किसी ने शोषकों को पर लिखा, तो किसी ने यहाँ की संपदा को लेकर के लिखा। इस तरह से इन सारे लेखक और कवियों ने काव्य लिखे, गद्य लिखे, पद्य लिखे, कहानी लिखे, कांक्य लिखे, संस्मरण लिखे, रेखाचित्र लिखे, और छत्तीसगढ़ के साहित्य को इन्होंने अतुलित भंडार से भर दिया। अगर मैं कहूँ तो बच्चों ये गलत नहीं है। अब हम आते हैं, हमने साहित्य भी देख लिया, और क्या बचा छत्तीसगढ़ में? स्थापत्य कला। स्थापत्य कला की दृष्टि से भी छत्तीसगढ़ का अपना वैभवपूर्ण व गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन मंदिर, दुर्ग, राजमहल, शिलालेख इत्यादि यहाँ की स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण हैं। यहाँ के प्राचीन मंदिरों का निर्माण गुप्त काल और कलचुरी काल में हुआ है। स्थापत्य कला, स्थापत्य को अगर सहज हम लेते हैं तो क्या बनता है? जो स्थापित हो गई कला वो स्थापत्य कला है। और क्या स्थापित होता है? मंदिर, मस्जिद, घर, द्वार। तो स्थापत्य कला का मतलब क्या हो गया? भवन निर्माण कला। इसी को हम कहते हैं वास्तुकला भी कहते हैं। भवन निर्माण वास्तुकला से संबंधित है। वास्तुकला का मतलब यहां पर क्या हो गया कि जैसे कोई घर आप बनाते हैं, तो घर जब बन रहा है या मंदिर मस्जिद बन रहा है, तो मंदिर बना रहे हैं तो मंदिर का द्वार किधर होना चाहिए, मूर्ति किस जगह स्थापित की जाएगी। हम घर बनाते तब भी सोचते हैं ना, मेरा नल किधर लगेगा, बर्तन मानने की जगह कहाँ होगी, कपड़ा कहाँ सुखाया जाएगा, बेडरूम किधर होगा, खिड़की किधर होगी, मुख्य द्वार किधर होगा, कौन से कमरे में घर का मुखिया सोएगा, ये सब सोचते हैं ना, सोचकर बनाते हैं। यही सारी चीज़ें स्थापत्य कला कहलाती हैं, ठीक है। तो मंदिर, मस्जिद, घर द्वार स्थापत्य कला है। लेकिन हम थोड़ा उसमें ऊपर उठते हैं, हम घर से लेकर के बाहर उठते हैं, तो स्थापत्य कला के अंतर्गत क्या हो गया? हम मंदिर मस्जिद को लेंगे बच्चों। तो छत्तीसगढ़ का अपना वैभवपूर्ण और गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, मतलब इतना अधिक यहाँ मंदिर मस्जिद हैं कि जो अपना इतिहास जो है रच रहा है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन मंदिर, पुराने पुराने मंदिर हैं यहाँ पर, आपने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। आप जिधर जाएंगे उधर आपको मंदिर दिखाई पड़ेंगे। आपको पता है आरंग, आरंग को मंदिरों की नगरी कहते हैं, बहुत ज़्यादा मंदिर है, कभी आइए कभी देखिए तो पाएंगे। और कहाँ नहीं है, चारों तरफ तो मंदिर ही मंदिर है। तो प्राचीन मंदिर मतलब पुराने मंदिर। दुर्ग, दुर्ग मतलब क्या? राजनांदगांव दुर्ग, दुर्ग मतलब किला। राजमहल, राजमहल बच्चों, राजमहल और किला में अंतर है। राजमहल मतलब राजा का महल, और महल कह रहे हैं मतलब भव्यता होगी, सुंदर सजा धजा होगा। आप जैसे जगदलपुर में राजा का देख, प्रवीण चंद्र भंज देव का महल देख लीजिए, आप कोरिया महल देखिए, आप खैरागढ़ में महल देख लीजिए, सब जगह आपको ये महलें जो हैं दिखाई पड़ सकती हैं। तो राजमहल एक अलग चीज़ है, और दुर्ग का मतलब किला से है। किला हमेशा पहाड़ी प्रदेश में है, पहाड़ों के ऊपर होता है, जिसके किनारे किनारे नाला वगैरह बने होते हैं। क्यों होता है पता है आपको? दुर्ग दुर्गम शब्द से बना हुआ है। दुर्गम, दुधन गम, गम यानी जानना या जाना, जहां आप आसानी से नहीं पहुंच सकते वो दुर्ग कहलाते हैं। ये पत्थर से खुदे खुदे बने हुए होते हैं, इनके चारों तरफ ऐसी खाइयां बनी होती है जहां पर कोई भी शत्रु जो है आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता है। वो अपने आप में पूरा एक नगर होता है। हम दिखा रहे हैं आपको, आप देखिएगा, आपने देखा होगा इंदौर का किला, जो हमेशा फोटो में आप देख पाते होंगे, पोर्ट्रेट बना रहता है ना। आप दिल्ली के लाल किला को भी आप देख लीजिएगा, अब तो बीचों बीच हो गया, लेकिन तब थोड़ी ऐसा था,
किला, तो किला तो आज भी उसके किनारे जो है चारों तरफ परकोटे के किनारे किनारे बने हुए हैं, नदी नाला जैसे, ठीक है, स्वरूप दूसरा बन गया है। तो ये इन दुर्ग में पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। तो छत्तीसगढ़ में आपके प्राचीन बड़े बड़े मंदिर हैं, आप श्री नारायण को मंदिर को देख लीजिए, आप दंतेश्वरी मंदिर कहाँ दंतेवाड़ा को देख लीजिए, आप यहीं रायपुर में जेतु साहब मठ को देख लीजिए, आप दुधाधारी मंदिर प्राचीन मंदिर को आप देखिए, क्या भव्य है वो मंदिर, श्री नारायण कैसा दुधिया दिखता है, मैंने बहुत शानदार मंदिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिलते हैं, राजमहल मिलते हैं, शिलालेख भी हैं। शिलालेख का क्या मतलब आप जानते हो? शिला यानी पत्थर और लेख यानी उसमें लिखना। यानी छत्तीसगढ़ में आपने शुरू में पढ़ा था ना, प्रथम कालखंड में क्या पढ़ा था, यानी पहले भाग में क्या पढ़ा था कि यहाँ पर राजाओं के महल मिलते थे और शिला भी मिलती थी और मंदिर भी हुआ करते थे। वहीं आपने देखा था कि शिलालेख की बात भी वहाँ पर आई थी। तो शिलाओं पर माने पत्थरों पर लोग जो है लिखते थे, उत्कीर्ण करते थे। इसका मतलब क्या निकल रहा है शिलालेख में कि पुराने जमाने में जब लोग लिखते थे तो आज के जैसे कागज पत्तल नहीं होते थे तो उसको कर देते थे, या दूसरी भाषा में समझा सकते, जैसे मैं घर बनाई बहुत शानदार तो एक नेम प्लेट होता है ना बाहर में पत्थर में करके बढ़िया लिख करके चिपकाते हैं फलाना ऐसा करके, या हम फलाने मंत्री ने इनका ये किया है उद्घाटन ऐसा होता है ना, उस जमाने में पत्थर में ही खोद खोद करके उसको लिखते थे और उस राजा के बारे में उनके शासनकाल के बारे में वो लिख करके रखते थे। तो वाकाटक से लेकर के लोग आए, ये हमने देखा था ना कलचुरी वगैरह सब रहे हैं करके, तो उस जमाने में जो जो राजा हुआ करते थे वो अपने अपने काल के बारे में उसमें कुछ कुछ लिखते थे, वही है शिलालेख, और लिख करके मंदिर के दरवाजे पे चिपकाते थे। आप देख रहे हैं सिरपुर का मंदिर, कभी आप गए हो तो आप मंदिर में जब घुसते हैं तो घुसने के पहले जब आप चबूतरे में चढ़ते हैं और मंदिर के अंदर आप जाना चाहते हैं तो उसके दीवार पर पत्थरों में लिखा हुआ जो संस्कृत में है या ब्राह्मी या खरोष्ठी लिपि में होती हैं सारी लेखें, तो आप देख पाते हैं उसको कि ये है आपका शिलालेख। ये स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण है, मतलब पत्थर में खोद खोद करके लिखना अनुपम है। अनुपम, अनधन उपम, यानी जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, मतलब ऐसा करना असंभव था लेकिन लोगों ने किया है, ठीक है। आप भोपाल वगैरह जाते हैं तो उस तरफ आप देख पाते हैं कि बड़े बड़े पत्थरों में लोगों ने पुराने जमाने में भित्ति चित्र वगैरह बना बना करके रखे हैं, हम पाते हैं उनको, वैसे ही यहाँ पर मंदिर मस्जिद में लिखे गए हैं। तो ये स्थापत्य कला का यानी भवन निर्माण की कला का, वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना छत्तीसगढ़ में आपको देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में और कलचुरी काल में हुआ है, जिसका उल्लेख मैंने पहले आपके सामने किया था। प्राचीन मंदिरों में, अब पुराने मंदिर में हम आते हैं, राजिम स्थित राजीव लोचन मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। मुख्य मंदिर विस्तृत आकार के बीच में ऊंची कुर्सी पर खड़ा है और उसके चारों ओर चार छोटे मंदिर बनाए गए हैं। आप देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कोई पिल्लर में यानी उसको ऊपर मॉडल की तरह बिठा दिया गया है, ठीक है। ये बहुत पुराना मंदिर है राजीव लोचन का मंदिर। राजीव लोचन क्या कह रहे हैं? राजीव यानी कमल और लोचन मतलब आंख, तो कमल के समान आंख वाले, ठीक है, यहां आपका समास है। तो उस मंदिर का ही नाम है राजीव लोचन, भगवान राजीव लोचन की मूर्ति अंदर है। तो यह मंदिर बहुत पुराना है और बहुत प्रसिद्ध है और विस्तृत आकार के बीच में ऊंची कुर्सी पर खड़ा है, दिख रहा है ना, आप देख पा रहे हैं उसमें कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है और चारों ओर छोटे छोटे मंदिर बनाया गया है। जब आप प्रांगण में घुसते हैं तो चारों दिशाओं में अलग अलग, वैसे तो हर मंदिर में बच्चों की चारों दिशाओं में अलग अलग छोटे छोटे मंदिर होते हैं, सब में मूर्तियां होती हैं, यहां भी बनाया गया है छोटे छोटे मंदिर उसमें चारों तरफ बनाए गए हैं, क्योंकि दिशाएं होती है ना चारों दिशा में, भगवान हर दिशा में है कहते हैं ना परमपिता परमात्मा, इसलिए बनाया जाता है। गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक चतुर्भुज प्रतिमा है, उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म, ये चार आयुध हैं। यही प्रतिमा राजीव लोचन के नाम से प्रसिद्ध है। देखो राजीव लोचन किसे कहा गया, मंदिर का नाम तो राजीव लोचन है लेकिन क्यों है ये भी बता दिया गया। गर्भगृह में, गर्भगृह का मतलब क्या होता है, जब आप अंदर जाते, गर्भ मतलब अंदर का हिस्सा, ठीक है, तो गर्भगृह में, गृह यानी घर, जब आप आंतरिक हिस्से में जब जाते हैं उसके बाद अब कोई जगह नहीं बच गई है, वहीं पर उस मंदिर में भगवान विष्णु की चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं होती है, अगर गणित है तो आप स्क्वायर बना के कहेंगे एक भुजा दो भुजा तीन भुजा चार भुजा, लेकिन यहां पर इस चतुर्भुज की बात नहीं हो रही है,
चार भुजाओं की बात नहीं, भगवान विष्णु की चार भुजा, ये दो है ना, दो और रहेंगे चार भुजा, जिसमें क्या है, एक हाथ में शंख है, दूसरे में चक्र है सुदर्शन चक्र, तीसरे में गदा है और चौथे में पद्म है, पद्म यानी वेरी गुड कमल, ठीक है। ये चार आयुध हैं, आयुध मतलब क्या समझते हो, हथियार, ठीक है। इन सब में उनका अपना काम है, शंख कौन सा है, वो शंख बजाते युद्ध के समय, ठीक है। जब महाभारत के युद्ध था तो कृष्ण के रूप में थे, उन्होंने शंख बजाया था, चक्र क्या था, उन्होंने गदा मतलब सिर काट दिया था, और गदा उनके हाथ में हमेशा होती है, और पद्म ने कमल के फूलों हमेशा लग करके शेष नाग में मस्त बैठे रहते हैं, ठीक है। तो भगवान विष्णु ही राजीव लोचन जी के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं को कमल नयन कहा जाता है, जिनकी आंखें कमल के समान है उन्हें हम कहेंगे राजीव लोचन या कमल नयन। सिरपुर में स्थित, अब आपने पढ़ा पहले तो किसका, राजीव का, अब कहते हैं सिरपुर। सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की धरोहर है। इसका निर्माण पांडु वंश के राज्यकाल में हुआ। कहा जाता है कि राजा शिवगुप्त की राजमाता वाष्टा अपने पति की स्मृति में इस मंदिर को उन्होंने बनवाया था। गर्भगृह का प्रवेश द्वार पाषाण से तथा ऊपर का शिखर पूर्ण रूप ईंटों से बना है। आप देख पा रहे हैं मंदिर को, क्या दिया है, लक्ष्मण मंदिर, कहां का, सिरपुर, कहां है, सराईपाली बसना की तरफ। तो नदी मोड़ पार करने के बाद आपका तुमगांव पटेवा के पहले, तुमगांव पटेवा के बीच में एक रास्ता अंदर जाएगा, ठीक है, करीबन 11 से 18 किलोमीटर के बीच में वहां पड़ेगा आपको सिरपुर। सिरपुर में गंधेश्वर महादेव जी का मंदिर तो है, लेकिन ये एक विशेष मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर। तो लक्ष्मण मंदिर का मतलब ये रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना, लक्ष्मण मंदिर उसका नाम है। क्यों नाम है, क्योंकि महारानी वासटा ने शिवगुप्त की माता, यानी पांडुवंशीय राजा थे जिसमें राजा शिवगुप्त बालार्जुन थे, उनकी माता का नाम राजमाता वासटा, इन्होंने अपने पति के स्मृति में बनवाया था, यानी पति की मृत्यु हो जाने के बाद उनको याद करने के लिए, जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया ना, वैसे इन्होंने ताजमहल की तरह ही इस मंदिर को उन्होंने बनवा लिया अपने पति को याद करने के लिए। उसके गर्भगृह का प्रवेश द्वार पाषाण से, आप मंदिर जाइएगा देखिएगा बच्चों, ये छत्तीसगढ़ की धरोहर नहीं बल्कि तो विश्व धरोहर में आएगा, क्योंकि इसकी बनावट इस तरह से बनी हुई है। उसके प्रवेश द्वार पे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पत्थर है जो दरवाजे पर, उसके मैंने उसमें शिलालेख है, ये मैंने पहले बताया था, और उसके ऊपर शिखर जो है, शिखर मतलब ऊपर एकदम शिखर तो ऐसा वो नहीं है पताका वाली, वो ईंटों से बना हुआ है। चबूतरा आप देख रहे हैं पत्थर का है, बाद में ईंटा है, वो ईंटा भी किससे जुड़ा हुआ है, उस जमाने में बना हुआ था जिसमें इमली गोंद और ये सब, पहले उसमें रेत मिट्टी ये सब ईंटा ये सब ये नहीं लगाए गए थे, ईंटा तो था लेकिन ईंटा भी विशेष प्रकार का है, यानी उस जमाने में कैसे बना होगा। स्थापत्य कला का नमूना आप सिरपुर जाकर के देख सकते हैं बच्चों, आप जाइए अभी नहीं गए हैं तो कभी देखिए, आपकी छत्तीसगढ़ की यह धरोहर है जो विश्व में अपना नाम अंकित करने वाला है। अब हम बारसूर चलें, आप राजिम देख लिए, आपने सिरपुर देखा, अब हम बस्तर की ओर चलते हैं, ठीक है। तो बस्तर के बारसूर में शिव जी का एक मंदिर है, यह मंदिर 32 खंभों पर स्थित है। इन खंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है, खंभों पर नाग और विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई। आप देख रहे हैं बालसुर के मंदिर को, खंभा 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 धारा दिख रहा है, इसमें 32 खंभे हैं। गुजरात में आप जाएंगे ना, जैसे खंभे खंभे पर मंदिर आपको दिखने, राजस्थान में आपको ना खंभे खंभे में मंदिर दिखते हैं, हमारे बालसुर में भी है। बालसुर में शिव जी का ये मतलब शिव जी के लिंग है कहना चाहिए, बड़े बड़े हैं वहां पर और कई सारे हैं, एक नहीं है, ऐसा दिख रहा है जो टूटा फूटा है ऐसा करके, लेकिन है बहुत बढ़िया सा। तो यहाँ 32 खंभों में स्थित है वह मंदिर, और उन खंभों में नक्काशी जैसे नक्शा उकेरा जाता है ना दीवालों पर, वैसे ही उन पत्थरों पर नक्काशी की गई है, मतलब उकेरा गया है चित्रों को, और किस चीज़ के हैं, नाग के हैं, देवी देवताओं की हैं ये सारी प्रतिमाएँ। उसमें उत्कीर्ण मतलब होता है खोदना, इन्हें उन खंभों में, पत्थर के खंभों पर क्या किए हैं, खोद खोद करके देवी देवताओं की प्रतिमा को बनाया गया है। बस्तर के ही कुटुम्बसर की गुफाएं, चित्रकूट का जलप्रपात और दंतेश्वरी देवी का मंदिर दर्शनीय है। इन्हें छत्तीसगढ़
विविध संपदा से है संपन्न, हमने पहले ही पढ़ा बच्चों। हकीकत में जिसने पूरे छत्तीसगढ़ का दर्शन किया, आप ये इन्हें देखा है, ये मान के चलो कि उनने पूरा दूसरा देश भी घूम लिया है। खूबसूरती पल पल में सिमटा हुआ है यहाँ पर। आप कहीं भी जाएं, चाहे बस्तर जाएं, आप अंबिकापुर जाएं, आप जसपुर जाएं, आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। प्रकृति बेजोड़ है, बेसुमार संपदा भरी पड़ी है। आप बस्तर के कुटुम्बसर की गुफाएं को आप देखते हैं, कुटुम्बसर की गुफा वास्तव में लाजवाब है। गुफा के अंदर जब आप प्रवेश करते हैं और जब वो संगमरमर की परतें जब दिखाई पड़ती हैं, एक एक टपकता हुआ पानी अंधेरे में, तो ऐसा लगता है आप कहाँ गए, आप छत्तीसगढ़ में नहीं, कहीं बाहर है लगता है। तो बस्तर की कुटुम्बसर की गुफा ये बता रहे हैं, मतलब कितना महत्वपूर्ण यानी यहाँ चीज़ें हैं ये बताया जा रहा है। चित्रकूट का जलप्रपात, चित्रकूट बोलते हैं जगदलपुर के लोग, वो जो गिरता हुआ पानी जो चित्रकूट का है, कितने गहराई पे जा करके गिरता है। दंतेश्वरी का मंदिर है जो वहाँ भी है, दंतेवाड़ा में है और जगदलपुर के राजमहल में भी है, ठीक है। तो वहाँ ये सारी चीज़ों को प्राचीन कह रहे हैं ना, तो ये पुरानी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। कभी नहीं गए हैं आज तक तो आप जाने की कोशिश करिएगा, हो सकता है इस जीवन में आपको देखने के लिए मिले। कवर्धा से लगभग 16 किलोमीटर दूर जंगल में भोरमदेव का मंदिर है जो छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से विख्यात है। इस मंदिर की कला उत्कृष्ट है। यदि हम इस तरफ जाते हैं, कहाँ, जबलपुर के रास्ते में, तो कवर्धा रायपुर से करीबन 100 किलोमीटर के आसपास में, ठीक है, बेमेतरा से जब हम पार करते हैं तो उधर कवर्धा जब हम जाते हैं, तो कवर्धा प्रॉपर से 16 किलोमीटर दूर जाने के बाद जबलपुर के रास्ते में जहाँ चिल्फी पड़ती, उसके पहले एक जंगल है, उसमें भोरमदेव का मंदिर है। और यह भोरमदेव का मंदिर जो है छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में जो खजुराहो हैं उसमें इतने सारे, मतलब इतनी मूर्तियाँ हैं एक से एक, मतलब हम क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं, हमारी सामाजिक व्यवस्था क्या थी, इन सारी बातों को पत्थरों में उकेरा गया, मंदिर में लगाया गया है। ठीक ऐसे ही भोरमदेव के मंदिर में भी यही सारी बातें हैं। जब जाके खड़े होते हो, जब उन मंदिर को देखते हो बच्चों, तो महसूस नहीं होता है, पता नहीं चलता है कि आप खजुराहो में खड़े हैं कि आप भोरमदेव के मंदिर में खड़े हैं। भोरमदेव का मंदिर यदि हम कहें स्थापत्य कला की दृष्टि से वास्तव में लाजवाब है। इस मंदिर की कला उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट मतलब उत्तम दर्जे का है, अगर कहें तो गलत नहीं है। ये क्या है, विख्यात है, मतलब अति प्रसिद्ध है भोरमदेव का मंदिर। एक भोरमदेव और एक आपका सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये जो दो मंदिर हैं आपकी छत्तीसगढ़ की पहचान है। बाकी तो है ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये दो आपको विश्व स्तर पर ले जाएगा। ये मंदिर आपने देखा जो मैंने कवर्धा की बताई, पर बहुत करीब से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मंदिर के बाहरी भाग में विभिन्न मूर्तियां निर्मित है, उनमें अंगों की भाव भंगिमा इस प्रकार की है कि उन्हें देखकर लोग चकित और विस्मित रह जाते हैं। मुख्य द्वार के समक्ष शिवलिंग इस बात का प्रमाणित करता है कि नागवंशी शिव के उपासक थे। कवर्धा में नागवंशी राजाओं का आधिपत्य था, जैसे बिलासपुर में कलचुरियों का शासन था, ठीक वैसे ही कवर्धा में नागवंशी फणि नागवंशी थे। और नागवंशी जो है वो शिव के उपासक थे, शिव यानी शाक्त संप्रदाय को मानने वाले, इसलिए उन्होंने उस मंदिर में शिवलिंग को स्थापित किया है। तो मुख्य द्वार में शिवलिंग को स्थापित करना इस बात का प्रमाण है कि नागवंशी शिव जी की आराधना करते थे। और दीवालों पर इतनी मूर्तियां बनी हैं कि आप करीब से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में यहाँ किस प्रकार के, पर लेकिन ये सच है कि लोग चकित हो जाते हैं, मतलब एकदम चकरा जाते हैं, बाप रे ऐसी मूर्तियां इतनी छोटी छोटी, और विस्मित मतलब आश्चर्य रह जाना, यानी कैसे कोई आदमी कैसे बता सकता है कि मतलब व्यक्ति जो मालिक है बैठा है, नौकर जो को कैसे उसको पकड़ के लाया जा रहा है, एक महिला को कैसे सताया जा रहा है, कैसे चार लोग उसको हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं और वो पीछे खींच रही है, उसको लोग आगे खींच रहे हैं, इस प्रकार की मूर्तियाँ, छोटी छोटी मूर्तियाँ जो हैं आपस में लगी हुई हैं। तो ये सारे प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए प्रेम संबंध भी बताए गए हैं, तो एक दूसरे के आक्रोश को बताए गए हैं, तो राजा महाराजा की सामाजिक व्यवस्था को बताई गई है। इस प्रकार पूरे दीवालों पे चारों तरफ केवल एक ही चीज़ आपको दिखाई पड़ेंगी और वो हैं चकित कर देने वाली मूर्तियाँ। फिर से मारे हैं अब छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में तीज और पर्वों की रंग रंगीली धारा रची बसी है। लोक आस्थाओं और लोक विश्वासों जुड़े इन त्योहारों में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है तीजा, पूरा, हरेली, अक्ति।
हमने अभी तक लोक गीत और लोक गाथा के माध्यम से देखा था बच्चों, अब हम त्योहारों को देखेंगे। मंदिर मस्जिद भी देख लिया, महल दुर्ग भी देख लिया, लोकगीत लोक गाथा देख लिया, ठीक है, अब त्योहारों को देख ले। तो छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में तीज और पर्वों की रंग रंगीली धारा रची बसी है। रंग रंगीली धारा रची बसी है, मतलब धारा बहती रहती है। लोक आस्थाओं लोक विश्वासों से जुड़े हुए, यानी हमारी आस्था के कारण हम कुछ को मानते हैं और कुछ हम विश्वास से मानते हैं। आस्था को हिलाया नहीं जाता। मेरी आस्था पहले से बनी हुई है। कैसी आस्था है कि यदि मैं क्या नहीं करूंगी, अगर तीजा के दिन, जैसे महिलाएं करती हैं ना कि तीजा के पर्व में क्या करती हैं कि दिन भर आगे आएगा शायद इसमें, इससे मैं चलो बाद में बताती हूँ। तो लोक आस्था और लोक विश्वास से जुड़े इन त्योहारों में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है तीजा, फिर है पोरा, हरेली, अक्ति। इन सब का अपना अपना एक विशेष महत्व है। ये विश्वास है हमारा, लोक विश्वास है। कैसा कि तीजा में महिलाएं जो है उपवास करती हैं पति के लिए। पोरा त्यौहार जो है हमारे जो पशु होते हैं, गाय बैल जो भी हैं, ये काम करते रहते हैं, इनकी हम पूजा पाठ करते हैं। हरेली के दिन भी यही हम काम करते हैं। और अक्ति में, अक्षय तृतीया में बच्चे जो है गुड्डा गुड़िया का खेल करते हैं, दिख रहा है आपको, है ना, इस दिन त्यौहार मनाते हैं। और उस दिन जो है एक प्रमुख, मतलब क्या है, प्रमुख तिथि उसको माना जाता है। तो इनको हम थोड़ा धीरे धीरे और आगे और देख लेते हैं। अभी हम केवल इतना देख रहे हैं कि हमारे लोकप्रिय त्यौहार बता रहे हैं, तीजा है, पोला है, हरेली है, अक्ति है आदि, ठीक है। थोड़ा विस्तृत आगे हम देखते हैं इसको। आइए देखते हैं कि तीजा के त्यौहार के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के लोग अपनी बहन व बेटियों को उनके ससुराल से मायके लिवा लाते हैं। इस त्यौहार में सुहागिन स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से भगवान शिव पार्वती की पूजा अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। इस दिन वे अन्न, फल, दूध और जल ग्रहण नहीं करती, अर्थात निर्जला व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं भी श्रेष्ठ वर की कामना से व्रत रखती हैं। इसके पहले में आपने देखा था ना कि लोक आस्था है, यानी लोगों की इस पर आस्था है, अटूट आस्था है, यानी आस है, आस से आस्था, विश्वास मतलब उस पर मेरा विश्वास है कि ऐसा होगा, लेकिन आस्था का मतलब मुझे मिलेगा, मुझे वो चीजें मिलेंगी और नहीं करूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा, ये आस जो बंधा हुआ है ना वही है। दोनों अलग अलग चीजें, विश्वास और आस्था। विश्वास है, विश्वास है कैसे, जैसे ये मीठा होगा, ये मीठा है, ये विश्वास है मेरा, गुलाब जामुन मीठा है, मीठा होगा ही होगा, या आम है, ये आम मीठा होगा, मेरा विश्वास है। लेकिन आम खाने के बाद मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी, ठीक है, ये मेरा क्या है, आस है। या मुझे खाना चाहिए, मैंने खाया नहीं है, या जो भी है मेरे पास संपदा है, तो ये जो चल रहा है कि आम खाने से क्या होता है कि शारीरिक सौष्ठव में अंतर आता है, या और कुछ हो सकता है, क्योंकि किसी फल को खा लेने मात्र से कुछ फर्क पड़ता है शरीर पे। जैसे आप तरबूज को खाते हैं ना, हाँ, अब उदाहरण याद आया कि तरबूज को खाते तो उससे पानी मिलता है तो शरीर में आपका पानी बराबर रहता है। आम खा रहे हैं तो आम के पीछे भी कोई धारणा होती, पपीता खा रहे हैं तो उसमें आपको आयरन मिल रहा है, ये इस तरह की बात होती है। तो ये आस्था है। तो इस पूजा पाठ में भी लोगों को एक आस्था है कहना चाहिए। तो मायके लाते हैं तो हम पहले ही देख चुके हैं। इस त्यौहार में क्या करते हैं कि सुहागिन स्त्रियां जो होती हैं, जो शादीशुदा जो होती हैं, उनको सुहागिन कहते हैं। ये स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं और विधि विधान पूर्वक भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती हैं। किसके लिए, अपने पति की दीर्घायु, दीर्घधन आयु, दीर्घायु, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो दीर्घायु के लिए ये कामना करती हैं, ठीक है। और इस दिन उस उपवास के लिए, व्रत के लिए किसी प्रकार का अन्न, किसी प्रकार का फल, दूध या पेय पदार्थ, जल, ये नहीं लेती हैं। अर्थात जब कुछ नहीं ले रही तो क्या हुआ, निर्जला, निधन जल, निर्जला बिना पानी के, ये आपका हो जाएगा विसर्ग संधि, ठीक है। तो निर्जला व्रत ये रखती हैं, ठीक है, मतलब बिना पानी के उपवास करती हैं। और तो और कुंवारी कन्याएं भी करती हैं, शादीशुदा महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। लेकिन जिस कन्या की शादी नहीं हुई है वो अपने लिए अच्छे से वर मिलेंगे, मतलब श्रेष्ठ वर उनको मिल सकते हैं। यह आस्था, जो आस्था की बात आई थी ना, यहाँ पर आस्था है, यकीन नहीं है मिल ही जाएंगे कि नहीं है, लेकिन आस्था है बच्चों। अभी अच्छे से यहाँ परिभाषित हो पाया है आस्था और विश्वास। तो उन्हें यह आस्था होती है कि मैं यदि ऐसा करूंगी तो ये मुझे मिलेंगे, इसलिए वह भी व्रत
करती हैं। व्रत का मतलब क्या है? व्रत मतलब उपवास नहीं होता, ध्यान देना। व्रत मतलब ये है आचार विचार के साथ में एक नियम का पालन करना, एक निष्ठा जो है ना वो व्रत कहलाता है। जैसे मैं आज ये नहीं करूंगी, आज मैं किसी से बात नहीं करूंगी, ये मेरा व्रत, ठीक। मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, ये मेरा व्रत है। मैं 4 दिन तक के कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी, ये मैं व्रत लेती हूं। तो व्रत ये है, उपवास व्रत नहीं कहलाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो व्रत और उपवास में थोड़ा सा फर्क है। पोला त्योहार के दिन खेती के काम आने वाले बैलों की पूजा होती है। हरेली के दिन हलनागर की पूजा की जाती है। अक्ती के दिन मिट्टी के बने गुड्डी गुड़ियों का विवाह किया जाता है। इस दिन को विवाह के लिए अत्यंत शुभ तिथि मानते हैं। विवाह, गौना जैसे मांगलिक कार्य आज के दिन से आरंभ हो जाते हैं। हमारे हर त्यौहार में कहीं ना कहीं कोई आस्था है, बता दिया गया है। तो पोला के त्यौहार में हमारे खेत में काम आने वाले बैलों की हम पूजा करते हैं, उसको सजाते हैं। आप देख रहे होंगे हमने सजा करके आपके सामने रखा है। हरेली के दिन नागर की पूजा करते हैं। नागर मतलब हल, हल में जो फल लगा रहता है ना, मतलब लोहे की जो उकेसती जमीन को, उसको हम धो धा करके, मतलब जितने औजार जो हमारे होते हैं खेत से संबंधित, खेती करने संबंधित, उनको धो धा करके रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। हरेली के दिन भी हम बैलों की पूजा करते हैं, मतलब उनको कुछ कुछ खिलाते पिलाते हैं, ठीक है। अक्ती के दिन में मिट्टी के बने गुड्डे गुड़ियों को विवाह हम करते हैं, बच्चे करते हैं ना बैठ करके, है ना, और दिन हम उसको बिल्कुल शादी जैसा करते हैं। इसलिए करते हैं कि ऐसा माना जाता है कि वो जो तिथि है, कहना चाहिए महारानी मंदोदरी, जब उसकी शादी नहीं होती तो उसी दिन उनकी विवाह को एक स्वरूप दिया गया था, कहना चाहिए था, इसलिए उस दिन को अक्षय तृतीया के रूप में माना जाता है। अक्षय, आधन क्षय, जिसका नाश नहीं होता, इसलिए उस तिथि को बहुत शुभ माना जाता है। यानी अक्षय तृतीया का दिन जो है किसी भी मांगलिक कार्य के लिए, मांगलिक मतलब पवित्र कार्य के लिए शुभ माना जाता है। उसी दिन से हम अपने काम को शुरू करते हैं क्योंकि ये शुभ तिथि है। एक नवोदित राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ में विकास की अनंत संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक वैभव एवं उसकी सांस्कृतिक धरोहर सचमुच ही अनूठी है। छत्तीसगढ़ की इस माटी का श्रृंगार हम सभी को मिलकर करना है। समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर किसी समृद्ध समाज की पहली पहचान है। बच्चों, यहां पर एक मैसेज है इस पाठ में कि नवोदित, नैने नया, उदित, नवधन उदित, ठीक है, गुणस्वर संधि। तो हमारा नया उठा हुआ, भले अब 20-21 साल हमने पूरे कर दिए, कहना चाहिए 20 साल पूरा कर लिया है, तो फिर भी हम उसको नया ही कहेंगे। तो हमारा नवीन उदित ये जो राज्य है छत्तीसगढ़, इसमें विकास के अनेक संभावनाएं हैं। विकास की मतलब बढ़ने की, अनेक, अनंत, अनधन अंत, अनधन अंत संभावनाएं, मतलब क्या नहीं कर सकते। आप बस्तर की तरफ जाएंगे, वहां बैलाडीला की लोहे की खान को देखिए, इतने लोहा, इतना लोहा कि अभी कई पीढ़ी इसको बेचे तो खत्म नहीं होने वाला है। बच्चों, आप मिनी चले जाइए, आप कोरिया चले जाइए, कितना कोयला, यहाँ सोना, चांदी, हीरा, क्या नहीं है, सब तो है छत्तीसगढ़ में। तो आप जो भी करेंगे तो आपकी क्या है, विकास ही विकास, विकास की संभावनाएं हैं। इस तरह छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक वैभव, प्रकृति में इतना ज़्यादा वैभव है, यानी संपदा है हमारे पास, एक वास्तव में धरोहर के रूप में हमारी संस्कृति भी है, हमारी प्राकृतिक वैभव भी है। तो छत्तीसगढ़ की इस माटी का श्रृंगार, छत्तीसगढ़ की इस माटी का श्रृंगार हम सबको मिलकर के करना है। समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की, समृद्ध समाज पहली पहचान होती है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत यह सिद्ध करती है कि हमारा राज्य सदियों से हर क्षेत्र में समृद्ध रहा है। हमारा दायित्व है कि हम अपनी इस अमूल्य धरोहर को अक्षुण बनाए रखें। यह तभी संभव होगा जब समाज के लोग शिक्षित हों। हमें अपने राज्य की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा पर गर्व है। आगे फिर से मैसेज कि इस समृद्ध विरासत में रहते हुए हमें अपने आप को समृद्ध बना करके रखना होगा। हर राज्य से हमारा राज्य बहुत समृद्ध है, कहना चाहिए, भरा पूरा है। इसलिए ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हम इस अमूल्य धरोहर को, जिसकी कोई कीमत नहीं आंक सकते, मैंने बताया ना कि बैलाडीला में आप जाते हैं, आप बचेली में जाते हैं, जो लोहे की खान है, उन पहाड़ों को देख करके तो आपको गश आ जाएगा कि कितना लोहा और कहां से निकल के आ रहा है। जहां आप खड़े हैं वहीं लोहा है। उस लोहा को कितने साल तक निकाल रहे हैं, कितने साल से निकाल रहे हैं, कितने सालों तक निकालेंगे। तो इस अमूल्य
आप क्या कीमत बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इतना लोहा तो बताओगे, इतना लोहा है तो बताओगे, दो ट्रक है तो बताओगे, वहां तो अथाह भंडार है, फिर आप कैसे बता सकते हो कि आपके छत्तीसगढ़ में कितना कोयला है, कितना हीरा है देवभोग में, या कितना लोहा है आपके बस्तर में? आप नहीं बता सकते। इसलिए अक्षुण बना के रखना है। अक्षुण मतलब जिसको कभी नष्ट ना हो, जो समाप्त ना हो, ऐसे में बना करके रखना है, स्थाई बनाकर रखना है। और यह तभी जब संभव होगा जब मेरे समाज के यानी हमारे समाज के सारे लोग शिक्षित हों। शिक्षित का मतलब ज्ञानी हों कहना चाहिए। हमें अपने राज्य की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा पर गर्व है। बच्चों, हकीकत में जिस छत्तीसगढ़ में हम जी रहे हैं, उस छत्तीसगढ़ के लिए हमें गर्व करनी चाहिए कि यहाँ की सांस्कृतिक संपदा भरी पूरी है। आपने जितना लोक नृत्य, लोक गीत, लोक का दुनिया भर का आपने देखा, आध्यात्मिक संपदा भी आपने देखे कि राजिम का मंदिर है तो आपने देखा, कि सूर्य नारायण का मंदिर है, कि आपने देखा डोंगरगढ़ का मंदिर है, आपने देखा बस्तर का मंदिर है। आध्यात्म है, अधिधन आत्मा, यानी जो हम आत्मा को चिंतन करना शुरू कर देते हैं ना, मंदिर मस्जिद जाते तो क्या होता है, हमारा मन पवित्र हो जाता है। हम पूजा में बैठते हैं ना तो सोचते रहते भगवान कुछ गलत ना हो जाए। पवित्रता कैसे आती है? जैसे आप एक मंदिर में जाते हो, मंदिर में कोई नहीं है, सुना है, लेकिन 5 रुपए का नोट चढ़ा हुआ है, क्या आप उठा लोगे? नहीं उठाओगे। आपको डर लगेगा क्योंकि आपकी आस्था है ईश्वर के प्रति कि वो मुझे देख रहे हैं, गलत काम करने पर मुझे दंड मिलेगा। तो ये आध्यात्म है, आपके मन में ये चीज़ें आती है, ये धार्मिकता है, ये संस्कार है जो छत्तीसगढ़ के लोगों को मिला हुआ है। तो हम अपनी प्राकृतिक संपदा, अपनी आध्यात्मिक उन्नति और अपने सांस्कृतिक संपदा और वैभव को बचा कर रखें, यह आपकी, मेरी, हम सबकी जिम्मेदारी है। यह मेरे तरफ से मैसेज है आपके लिए और आपके लिए भी है, ठीक है। थोड़ी सी हम एक्सरसाइज यहाँ पर अब कर लें। पाठ तो आपने बखूबी समझ लिया और चलते चलते मैंने आपको संधि समास या सभी कुछ कुछ बताया बताने के लिए। तो जरा हम देखते हैं कि कुछ शब्द हैं जैसे राजपुत्र, दाल रोटी, भरपेट, राजीवलोचन, शिलालेख, राजमहल, पांडुवंश। उत्तर मैंने आपके सामने दे दिए हैं क्योंकि आपके पाठ्यपुस्तक में दिया गया है, लेकिन क्यों होगा ये मैं आपको बता दूं। राजपुत्र, राजा का पुत्र, चूंकि बीच में का शब्द है यानी कि आपका कारक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए तत्पुरुष समास है, ठीक है। तत्पुरुष समास में बीच में किसी विभक्ति का लोप रहता है और जब हम उसे खोलते हैं तो उस विभक्ति को निकाल कर हम बात करते हैं, तो राजपुत्र का मतलब हुआ राजा का पुत्र, इसलिए तत्पुरुष समास है। दाल रोटी, दाल और रोटी बराबर बराबर है, इसलिए द्वंद समास है। द्वंद समास में दो पद होते हैं, दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। भर पेट, पेट तो है लेकिन कैसा है, भरा हुआ है, यानी एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास है। राजीव लोचन यानी वह जिसके नेत्र कमल के समान है, कौन, भगवान विष्णु, इसलिए क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या करते हैं, दो पद होते हैं पर दोनों पद जो है अपनी सीमा रेखा को छोड़ देते हैं और किसी तीसरे की तरफ इशारा कर देते हैं, उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। यानी केवल हम राजीव कह देते कमल और लोचन यानी आंख कह देते तो कुछ और भाव बनता, लेकिन हमने अर्थात कहा इसलिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। शिलालेख, शिला पर लिखा गया लेख, में पर सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर से विभक्ति का लोप है। राजमहल, आपने देखा है राजपुत्र तो राजमहल, राजा का महल, तत्पुरुष समास। पांडुवंश, पांडवों का वंश, तत्पुरुष समास, विभक्ति का लोप है। तो इस तरह से शब्दों को निकालते हैं आप, समास जब देखते हैं तो छोटे छोटे शब्दों में समास को ढूंढने का प्रयास कीजिए, पहचानने का प्रयास करिए, नहीं मालूम तो अपने शिक्षकों से आप लोग पूछिए। गृह कार्य है, छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले 30 त्योहारों के विषय में घर के बड़े बुजुर्गों से पूछकर लिखिए एवं यह भी लिखिए कि उस अवसर पर क्या क्या होता है। ये आपके लिए एक प्रश्न है जो बहुत बड़ा भी है बच्चों, लेकिन आप बहुत बड़ा नहीं करके किसी एक के बारे में पकड़ें कि जैसे 30 त्योहारों की आप पूरी एक सूची बना लीजिए। हम शुरू से जुलाई से हम क्या मनाना शुरू करते हैं और पूरे आप अंतिम तक चले जाइएगा, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है,
या फिर जनवरी से आप पकड़ करके चले जाइए, जनवरी फरवरी से ऐसा करके पकड़ लीजिए, या फिर आप हिंदी महीने के हिसाब से चलना शुरू कर दीजिए। और त्योहारों की आप लिस्टिंग कर लीजिए कि कौन सा त्यौहार किस महीने पे मनाया जाता है, इससे आपको याद भी हो जाएगा और आपको भविष्य में कब जब आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा कि कौन सा त्यौहार किस महीने में किस तिथि को मनाया जाता है। तो पूरी आप चार्ट बना लें और फिर किसी एक त्यौहार के बारे में आप लिखिए। हो सकता है बच्चों आप भविष्य के लेखक हों, भविष्य के कहानीकार हों, आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं, तो आप में आदत आज से ही निर्मित हो जाना चाहिए। इसलिए मैंने इस प्रश्न को दिया है, तो आप करिएगा और इस तरह से आज छत्तीसगढ़ का दर्शन इस पाठ को मैंने पूरा किया है। बच्चों मैंने बनते कोशिश ये की है कि अपनी आँखों से आपको मैं बस्तर भी घुमा सकूँ, मैं अंबिकापुर घुमा सकूं, मैं दिखा सकूं, मैं वर्णन कर सकूं, पूरी कोशिश मैंने की है। पर आपको जिस स्तर पर समझ में आया हो वो आपकी बात है, लेकिन दोबारा आप पाठ को पढ़िए और आंख बंद करके कल्पना करने की कोशिश कीजिए, आपको सारी वो बातें जो पुस्तक में लिखी गई हैं बिल्कुल सामने दिखाई पड़ेगा और आप भविष्य में लेखक बनने की ओर भी प्रवृत्त हो सकते हैं। और जब आपको अवसर मिले अपने जीवन में आप इन जगहों में जाइए और इन विशेषताओं से रूबरू होइए, मतलब प्रत्यक्ष रूप से आप इनको देखिए। बस यही मैं कहूँगी। शेष आप सभी की शुभकामनाएं कि ऐसे विषम परिस्थितियों में आप स्वस्थ रहें और लगातार परिश्रम करें। ठीक है, आपने बहुत ध्यान से बात मेरी सुनते रहे हैं बड़ी गंभीरता के साथ, इसके लिए आप कोटशः बधाई के पात्र हैं। ठीक है, धन्यवाद।